बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म में इतना ज़बरदस्त रहा है। अनवर भाई जब आए मुझे स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, बस मैं स्क्रिप्ट से ज़्यादा मैं अनवर भाई से प्यार में आ गया। मैं बोला भाई इनके साथ फिल्म करनी ही करनी है। मैं बोला देयर इज़ नो वे दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू द फिल्म। इनका जो पैशन था, इनका जो अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्ट की, और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, बड़ी कमर्शियल फिल्म बनाई है, मेन स्ट्रीम फिल्म बनाई है और प्यार से बनाई है। एंड पूरी टीम भी बहुत अच्छी है। जिमी के साथ मैं पहले काम कर चुका था तो जिमी के साथ मेरी अच्छी एक रिलेशनशिप है। निले वॉज ऑल्सो देयर पार्ट ऑफ इट, इनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अली, ये भी है, इनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। ही गेव द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स अ लॉट ऑफ फ्री वे टू डू अ गुड फिल्म। कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ इस फिल्म में। ऑफकोर्स ब्रूना के साथ मैंने पहली बार काम किया, सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। नॉट ओनली शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग। सो इट वॉज ग्रेट टू मीट हर एंड नो हर। एंड आई जस्ट होप कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, बड़े प्यार से और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो आई एम होपिंग दैट जब फिल्म रिलीज होती है 2 सितंबर को, लोग आए और देखें, और एक बार आएंगे एंड देखेंगे तो मैं जानता हूँ कि वो पसंद करेंगे और बाकी लोगों को। जैसे आपने कहा कि पहला प्रोमो जो था वो बहुत अप्रिशिएट हुआ, लोगों को पसंद आया, उसके 2 मिलियन व्यूज बहुत कम समय में आ गए थे। अब नया प्रोमो रिलीज किया है, उम्मीद करते हैं कि ये भी लोगों को पसंद आया। आप लोगों को पसंद आया तो लोगों को भी पसंद आएगा, आप भी ऑडियंस ही हैं तो उनको भी पसंद आएगा। उम्मीद तो हम हर फिल्म से करते हैं, और इस फिल्म में लोगों ने, मतलब हमारे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत से, बड़े प्यार से ये फिल्म बनाई है। और जो इस फिल्म की ज़रूरतें थी, मतलब कि इसको अच्छा शूट करना, इसको अच्छा करना, वो सब जरूरी। अली जस्ट अ सेकेंड यार। You're giving interviews or what? हाँ, तो मेहनत बहुत की है हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने, हमारे एक्टर्स ने, जिमी ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म के अंदर, बुना ने अच्छा काम किया, पूजा ने अच्छा काम किया, हमारे DOP ने बड़ा अच्छा शूट किया इस फिल्म को। तो सब ने अपने लेवल पे बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया, यानी उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी मसाला एंटरटेनर हमने बनाई है। उसके 2-3 गाने भी बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। वेल, मैंने मतलब इस किस्म का डॉन और इस किस्म का नेगेटिव रोल कभी प्ले नहीं किया है। बड़ा स्टाइलाइज, बड़ा स्लीक किस्म का डॉन है, बड़ा मतलब चिल्लाता विल्लाता नहीं है, बस अपना एकदम स्टाइल में काम करता है, तो अच्छा है, डिफरेंट है। डायलॉग्स अच्छे हैं इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर के, और इसका एटीट्यूड अच्छा है। डायरेक्टर ने काफ़ी मतलब मेरे कैरेक्टर को अच्छी तरह से मतलब निखारा है, अच्छी तरह से निकाला है फिल्म के अंदर। तो आई एम हैप्पी दैट ये प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा किया हमारे अनवर भाई ने। मैं आपको एक कॉमेडी रोल में देखा था, यहां पर एकदम टफ लुक में दिखा है, तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन में कितना समय लगता है आपको किसी भी रोल में ढलने के लिए? वेल, ये फिल्म मैं कंप्लीट कर चुका था, फ्रीकी अली के बाद बनी है ये फिल्म, तो फिर इट वॉज ईजी फॉर मी टू गेट इन टू अनदर कैरेक्टर। वैसे मैं कॉमेडी भी मतलब मुझे बहुत शौक है करने का, और 2-3 जो फिल्में मैंने कॉमेडी में की है, जैसे कि हलचल की है, माला माल वीकली की है, मक्खी का भी कैरेक्टर कुछ हद तक कॉमिक ही था, तो वो एक ऐसा मेरा एक एक्टिंग का एक ऐसा डिज़ायर है जो कम्प्लीटली फुलफिल हुआ नहीं है। और सीरियस रोल्स में, ग्रे शेड रोल्स में, नेगेटिव रोल में मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, लेकिन ये जो कॉमेडी है वो मैंने बहुत कम की, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो किस्म के रोल्स थोड़े ज़्यादा करूँ। फ्रीकी अली में है उस किस्म का मेरा कॉमिक रोल है, और लोगों को शायद पसंद आएगा। अरबाज़ सर, आप एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप किस रोल को सबसे ज़्यादा अपने? वेल, हर स्टेज के ऊपर हर चीज़ मुझे अच्छी लगी है। पहले मैंने बहुत साल एज एन एक्टर काम किया, वही चीज़ ने मुझे एज ए प्रोड्यूसर एंड एज ए डायरेक्टर हेल्प किया। मैंने एज ए प्रोड्यूसर ज़्यादा नाम कमाया है, एज एन एक्टर से ज़्यादा। आई थिंक आई हैव बीन बिजी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जो एक मेरे को मुकाम मिला एज ए प्रोड्यूसर वो मिला है। बट मेरा एक्टिंग पैशन है, वो मैं जब तक मुझे अच्छा काम मिलता रहेगा वो मैं करता रहूँगा। और एज अ प्रोडक्शन हाउस आई वॉन्ट टू डू सम गुड फिल्म, एंड एज अ डायरेक्टर वॉन्ट टू डायरेक्ट सम गुड फिल्म एंड टेक माई बैनर टू सम अनदर हाइट्स, अनदर लेवल। एक्टिंग में भी मैं इस अब जिस स्टेज पर हूँ, मुझे अच्छा काम मिल रहा है, मैं खुद अच्छा काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ,
तो लोगों को पसंद आएगा एंड हो सकता है कि जहाँ भी मैं था एज एन एक्टर उसके थोड़ा एक लेवल आगे चला जाऊँ. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सर आपकी पहले साल में एक एक या दो फिल्म में आती थी, इस बार आप तीन तीन फिल्म साल में कर रहे हैं. आपको लगता है कि मतलब आपका आपके लिए साल काफ़ी लगी? बहुत अच्छा रहा ये साल. इनफैक्ट मैंने 6 फिल्में की इस साल में, 4 कम्प्लीट हुई हैं, 2 ऑलमोस्ट फ्लोर पर हैं. तो अच्छा रहा ये साल मेरे लिए. और अनएक्सपेक्टेडली एक्चुअली क्या हो गया था कि एज प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जाने के बाद मैंने खुद थोड़ा सा अपने आप को दूर रखा था काम से, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मैं ध्यान देने लग गया था. उस वजह से थोड़ा सा मैंने कुछ काम जो आ रहा था वो भी मैंने किया नहीं. जब मेरे अभी जो मुझे गैप है एज अ प्रोड्यूसर, अभी मैंने एक फिल्म साल भर से बनाई नहीं और नेक्स्ट फिल्म बनाने में शायद साल भर लग जाएगा. तो मैं लकीली एज एन एक्टर मुझे काम मिलने लगा तो मैं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी काम मिलता रहे. कुछ आइडिया नहीं. अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट है और कोई डायरेक्टर चाहता है कि मैं कोई फिल्म में कोई किरदार प्ले करूँ एज अ बायोपिक कैरेक्टर, तो ऑफ कोर्स आई विल प्ले. सर लोग चाहते हैं कि पंचम दा पर एक बायोपिक बने. मैं सोचता हूँ कि बड़ा कमाल का बायोपिक बनेगा अगर बनेगा तो, क्योंकि ही वॉज सच एन अमेजिंग कैरेक्टर. उन्होंने रेवोल्यूशनरी म्यूजिक दिया है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी खुद की पर्सनल जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो बहुत अच्छी कहानी बन सकती है. अगर उनकी भूमिका में आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा एक्टर होगा जो पंचम दा की भूमिका को निभा पाएगा बड़े पर्दे पर? रणबीर कपूर. सर इसके अलावा आपने कहा कि आप जो फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको एक साल और वेट करना पड़ेगा. दबंग 3 के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? वही मैं कह रहा था, वही एक फिल्म है जो साल भर के बाद शायद शुरू होने वाली है. मेरा प्लान है कि अगले साल के एंड में मैं शुरू करूं फिल्म को एज ऑफ नाउ. बट क्या फिल्म में भी आपको एक्टिंग करते देख पाएंगे? मैं हूं ना मक्खी, या मक्खी मर गया क्या? मक्खी अभी तक जिंदा है. ठीक है. सोनाक्षी विल बी पार्ट ऑफ द फिल्म, बट ऑब्वियसली सिंस वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर हीरोइन एज वेल.